F is equal to Q V cross B. B. Kya blank? Kya blank? B. F is equal to Q V B. Sin theta. Sin theta. तो अब यहाँ पर देखो क्यू वी क्रॉस भी हो गया बच्चों, ये तुम देखो क्या है, अगर एक चार्ज पार्टिकल क्यू है, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है वी वेलोसिटी से, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगती है उस फोर्स का ये फॉर्मूला है बच्चे, क्या है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। बी थ्री वाले को ये बताया हुआ मैंने, यही चीज क्या फॉर्मूला है, क्यू वी बी साइन थीटा, एक चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा, ठीक है। अब क्या है, हम इसी को यूज करके हम निकाल रहे हैं फोर्स ऑन द कंडक्टर। अभी ये जो फोर्स थी क्यू वी बी साइन थीटा, ये चार्ज पार्टिकल के ऊपर लग रही थी, और चार्ज पार्टिकल को कब, जब उसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा था जिसकी वैल्यू क्या थी, बी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा था जिसकी वैल्यू क्या थी, बी थी, ठीक है। तो जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा जिसकी वैल्यू बी होगी, तो फॉर्मूला था ये बी, तो ये बी कैसा हुआ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब इसी को यूज करते हुए फोर्स ऑन द कंडक्टर निकालेंगे, इस कंडक्टर को भी कहां रखेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, आओ तो वो रखते हैं अभी आगे बताएंगे। और इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते थे बच्चे, फोर्स की, फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, क्यू वी क्रॉस, तो ये जो क्रॉस से है वही v और b को क्या करेंगे क्रॉस, तो किसी डायरेक्शन आएगी, सपोज v मेरा i कैप में है, b मेरा j कैप में है, तो i क्रॉस j क्या होता है, k, सर k, i और j आएगा k, j और k आएगा i, k और i आएगा j, अगर ऐसे ही चल रहे हैं तो पॉजिटिव, इसके अपोजिट चलेंगे तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। फॉर एग्जांपल आई क्रॉस जे तो हो गया के, अगर जे क्रॉस आई कर देता तो क्या आ जाता, माइनस के, माइनस के, लेकिन जे क्रॉस आई इसका क्या हो गया, बिल्कुल अपोजिट, अपोजिट, तो माइनस, क्लियर है क्या, यस सर। तो क्यू वी का डायरेक्शन देखो, बी का डायरेक्शन देखो, दोनों को क्रॉस कर दो। दूसरा तरीका ये है कि अगर ये वी है ये बी है, तो V क्रॉस B कैसे निकालेंगे, V की तरफ अपना पाम रखो और B की तरफ उसको कर्ल करो, V की तरफ अपना पाम रखो और Q की तरफ उसको कर्ल करो, B की तरफ कर्ल करो, क्लियर है, V क्रॉस B कहाँ है, बाहर की तरफ, बाहर की साइड, आउटवर्ड, या यस सर। चलो अब कंडक्टर के ऊपर बात करते हैं फोर्स। अब ये देखो, ये जैसे मैंने एक्सटर्नल फील्ड में चार्ज रखा था, अब एक्सटर्नल फील्ड में पूरा का पूरा क्या रख रहा हूँ, कंडक्टर, ठीक है। अब इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स निकालनी है, क्या निकालनी है बच्चे, फोर्स निकालनी है, कैसे निकालेंगे वो देखो फटाफट। कंडक्टर के ऊपर जब मैंने फोर्स निकालनी है तो मैं क्या करता हूँ, कंडक्टर क्या, एक ही कंडक्टर के अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री के चार्ज पार्टिकल्स, तो क्या एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पूरे कंडक्टर की अगर वॉल्यूम V है, मैं सिर्फ इस छोटे से पार्ट के अंदर, ये छोटा सा पार्ट काट लिया मैंने, दिख रहा है सिलेंड्रिकल, क्या निकाल रहा हूँ, मैग्नेट, इस पार्ट के ऊपर फोर्स निकालता हूँ। फोर्स का फॉर्मूला तो सर वही होता है, आई एल क्रॉस ये भी नहीं बताया तुमने, है ना, ये तो आएगा, सॉरी, फोर्स का फॉर्मूला वही होता है क्यू वी क्रॉस बी। अभी मैं कह रहा हूँ इस कंडक्टर में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, इसका जो स्मॉल पार्ट काटा है मैंने ग्रीन वाला, क्या उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा क्या, नो सर, तो वो कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूँ इस पूरे कंडक्टर की वॉल्यूम है वी और उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है N. N. तो अगर यूनिट वॉल्यूम होती तो कितना होता N by N. और किसी कंडक्टर में यूनिट वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसी को बोलते हैं नंबर डेंसिटी, क्या बोलते हैं,
नंबर डेंसिटी को अगर मैं स्मॉल एन से लिख दू तो क्या आ जाएगा इसका फॉर्मूला, कैपिटल एन बाय कैपिटल सबको यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस सर। टोटल वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? कैपिटल एन। तो यूनिट वॉल्यूम में क्या होंगे? कैपिटल एन बाय कैपिटल वी, जिसी को क्या बोलता हूँ, नंबर डेंसिटी। इतने वॉल्यूम में इतने, तो मेरे को तो ग्रीन पार्ट में निकालना है, तो ग्रीन पार्ट का भी क्या पता होना चाहिए पहले? वॉल्यूम का एक और फॉर्मूला पता होता है मेरे को, एरिया मल्टीप्लाई। स्क्रीन पार्ट का मान लिया एरिया ए है और छोटी सी लेंथ काटी हुई है इसलिए डी एल, तो इस ग्रीन पार्ट का वॉल्यूम क्या हो गया? ए इंटू डी एल। तो ए डी एल क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन बाय वी मल्टीप्लाई बाय ए वी। एन बाय वी मतलब नंबर डेंसिटी। तो अब से याद रख लो, नंबर डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दो छोटे से वॉल्यूम से, तो उस वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। मतलब नंबर डेंसिटी यानी स्मॉल एन, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? उस छोटे से वॉल्यूम से, यानी ए इंटू डी एल। तो ये आ जाएंगे सर उस छोटे से वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. अगर बड़े तरीके से करना है तो बड़े तरीके से कर लो, छोटे तरीका तो यही है। क्या सर? छोटे से वॉल्यूम का पता करो कितना है एडीएल, इस वॉल्यूम को नंबर डेंसिटी से क्या कर दो बस, मल्टीप्लाई। यही क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम क्या करेंगे, अगर मान लो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन छह होते तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स निकाल देता, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देता? एडीएल से, है ना? तो अब वही करेंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन मान लिया, उसके ऊपर फोर्स कितनी होगी? एफ इज इक्वल टू होती है क्यू वी क्रॉस बी। तो ये जो फोर्स है, अब मैं स्मॉल एलिमेंट काटा हूं तो फोर्स भी क्या होगी सर? स्मॉल होगी। स्मॉल चार्ज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज होता है माइनस ऑफ ई। अच्छा, वी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा है, तो वी डी हो जाएगा सिंपल ड्रिफ्ट वेलोसिटी। भाई इस कंडक्टर के अंदर क्या, इसके कंडक्टर के ऊपर क्या है? करंट फ्लो हो रहा है। इस कंडक्टर में क्या फ्लो हो रहा है? फ्लो करे तभी तो फोर्स लगेगी, वरना फोर्स नहीं लगेगी। तो करंट फ्लो हो रहा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, वी की जगह ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्रॉस में क्या है सर? बी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा या नहीं होगा? यस सर। कोई भी डाउट है बताओ, कोई भी डाउट है? हाँ या ना? पक्का? बी थ्री वाले भी? नो सर। ठीक है, नो सर। चलो बोलेंगे सब मिलके, तो वी डी क्रॉस बी। अब ध्यान से देखो, स्मॉल एलिमेंट में फोर्स लगा दी, वी डी क्रॉस बी हो गया सर, डीएफ भी हो गया। अब क्या करें सर? ये तो एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स आई है, टोटल निकालने के लिए अब किससे मल्टीप्लाई करूंगा? एन से, एन क्रॉस जी। इससे अभी तो ग्रीन वाले पार्ट में एक इलेक्ट्रॉन की आई है, तो पूरे ग्रीन पार्ट में कितनी होगी, किससे मल्टीप्लाई करूंगा? एन ए डी एल एल से, क्योंकि उसका वॉल्यूम इतना, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना भाई, एक इलेक्ट्रॉन पे इतनी फोर्स है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने हैं, तो इससे क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो माइनस तो था ही बात, तो ई वी डी क्रॉस मैग्नेट। क्लियर है क्या? यस सर। वी डी को इधर ले जाता हूँ, डी एल को अंदर ले जाता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा? एन ई सर एन ई डी एल क्रॉस बी। तो देखो डीएफ का फॉर्मूला क्या बन गया, एन ई ए वी डी क्या होता है? माइनस एन ई ए वी डी सर, एन ई ए वी डी क्या होता है? आई अंदर क्या बन गया? एल क्रॉस बी। क्लियर है क्या सबको? यस सर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डीएफ इज इक्वल टू आई डी एल बी, क्रॉस हटाऊंगा तो क्या आएगा? साइन थीटा। ये वाला एंगल साइन थीटा। अच्छा, अब
छोटे के लिए या टोटल के लिए क्या कर दूं अगर टोटल सिलेंडर के लिए निकालना है इंटीग्रेशन एफ आई बार ले लूंगा बी बार ले लूंगा साइन थीटा भी यहाँ कॉन्स्टेंट है इसलिए वो भी बाहर आ जाएगा तो डीएल का इंटीग्रेशन होता है एल एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा इसको तो क्रॉस एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी बी अब देख लो किसी को कोई भी डाउट है ये no, मेरा फोर्स फॉर्मूला आया है ध्यान से देख लो किसी को कोई भी डाउट है ये फोर्स किसके ऊपर आई है एक कंडक्टर के ऊपर फिर मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ पहले यहाँ पर किसी को कोई भी डाउट है बी थ्री बी फोर और बी फाइव किसी भी बच्चे को हाँ बच्चे बोलो तनिका क्या कह रहे हो तो सुनाई नहीं ना दी थी आपकी आवाज तो समझ नहीं आया कुछ कहाँ से तो यहाँ से जो डी एफ इज इक्वल टू माइनस थ्री है ना यहाँ से कहाँ पे मेरे को समझ नहीं आया यहाँ से तो सेकंड स्टेप पे जो नहीं ऊपर वाला ग्रीन वाला ये एक इलेक्ट्रॉन की वजह से फोर्स हो गई तो टोटल सारे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई कर दिया सारे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर मैंने निकाल लिया कितना एन ए डी एल तो मैंने इसको एन ए डी एल मल्टीप्लाई कर दिया अब रीअरेंज किया ई और वी डी को बाहर ले लिया डीएल को अंदर ले लिया तो देखो एन ई ए वी डी ये किसका फॉर्मूला बन गया करेंट का तो आई अंदर रह गया डीएल क्रॉस ठीक है डी यस आगे आगे समझ आगे ग्रीन पार्ट का निकाला था टोटल के लिए इंटीग्रेट करते तो कुल मिला के मेरा आंसर जो आया वो आंसर ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी हमने बता दी एफ इज इक्वल टू क्या आया है आई एल क्रॉस एल क्रॉस बी इसको डेरिवेशन इतना ज्यादा क्लियर नहीं है कोई इशू नहीं है इसका डेरिवेशन इतना वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है पर तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए आई एल क्रॉस बी और फॉर्मूला क्या हो गया आई एल बी साइन थीटा और थीटा किसके बीच का एंगल थीटा किसके मैग्नेटिक फील्ड एल और करंट करंट नहीं बोलेंगे एल बोलेंगे एल एल और मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी लेकिन एल वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए मैं एल का नाम क्या बोलता हूँ लेंथ वेक्टर क्या बोलता हूँ एल को L का नाम क्या है लेंथ वेक्टर समझ में आ रहा है क्या लेंथ वेक्टर यस सर यस सर सिंपल लेंथ वेक्टर का फॉर्मूला आओ सर अब एक चीज जो मैं बोलने वाला हूँ देखो फोर्स किस ये आई करंट किस में जा रहा था कंडक्टर में तो जिस कंडक्टर पे ध्यान से सुनना फोर्स भी किस पे निकाली थी कंडक्टर पर फोर्स निकाली है करंट भी उसी का लिया है ना इस कंडक्टर पे करंट फोर्स निकाली है तो करंट भी इसी कंडक्टर का लिया या नहीं लिया बोलो हाँ या ना यस सर जो बाहर से भेजा हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल है मैग्नेटिक फील्ड कौन सा लिया है External. तो याद रखना करंट उसी कंडक्टर का लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिए सर एक्सटर्नल एक्सटर्नल समझ में आ जाएगा सबको करंट उसी का लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिए है एक्सटर्नल एक्सटर्नल तो ये फॉर्मूला हो गया अब इसको जिसको समझ नहीं आया वो सब देख ले फटाफट डीएल एलिमेंट काटा ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास वही एन ए एल ये NADL क्या था सर वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर ग्रीन पार्ट है ना टोटल से और टोटल निकालने के लिए क्या किया इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन कर दिया टोटल के लिए यस सर यस सर चलें आगे यस सर यस सर यस सर तो थीटा किस किस के बीच का एंगल है
एल ओर्बिट का और मैग्नेटिक की डायरेक्शन तो दे रखी है यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो दे रखी है हॉरिजॉन्टल है। एल की कैसी होगी डायरेक्शन? एल की डायरेक्शन सेम होगी जैसी किसकी हो, मैग्नेटिक हमेशा जीरो हो जाएगा, सेम एज करंट, जैसे करंट की डायरेक्शन है वैसे ही किसकी डायरेक्शन होगी, एल करंट ऊपर जा रहा है तो लेंथ वेक्टर भी ऊपर जाएगा, राइट साइड जा रहा है तो लेंथ वेक्टर भी राइट साइड, करंट नीचे तो लेंथ वेक्टर भी नीचे। क्लियर है? यस सर। बी थ्री वाले भी हाथ क्लियर करें, सबको क्लियर है क्या? थम्स अप करें बी थ्री वाले जो yes, जिससे क्लियर है। यस सर। यस सर। चलो अब इसी का यूज करेंगे हम, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। अब पी क्यू एक वायर है जो कि इनफाइनाइट वायर है, कैसी है पी क्यू वायर है, वायर है तो पी क्यू इनफाइनाइट है तो वायर है तो मतलब कंडक्टर ही है एक किस्म से, राइट? तो पी क्यू भी एक कंडक्टर है और आर एस भी क्या है, एक कंडक्टर, कंडक्टर है सर। तो अब किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है जिसका फॉर्मूला पढ़ चुका हूं अभी, आई एल बी साइन। तो अब सर लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होना चाहिए, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। अब मैं पी क्यू वायर को कंसीडर करता हूँ, पी क्यू के ऊपर एक फोर्स निकाल रहा हूँ, पी क्यू वायर को क्या कर रहा हूँ कंसीडर कर रहा हूँ, उसी पर क्या निकाल रहा हूँ, फोर्स। तो तुम्हें पता है फॉर्मूला तो वही रहेगा सर, अगर फोर्स ऑन पी क्यू निकालना चाहूँ तो क्या होगा, आई एल क्रॉस बी। अब मैं पूरी वायर इनफाइनाइट है तो छोटा सा पार्ट काट लू क्या, एक डी एल डी एल। ठीक है, छोटा सा पार्ट मैंने काट लिया डीएल। अब इस डीएल की वजह से मैं क्या देखूंगा बच्चे, सर मैं बोलो बोलो सर, ऐसा भी हो सकता है कि मैं यहाँ पे ओरिजिन मान लू बीच में गई और इससे एल डिस्टेंस दूर एक छोटा सा पार्ट काट रहा हूँ डीएल, ठीक है, क्लियर है? यस सर। Yes, तो मैं डीएल की फॉर्म में करूंगा उसको इंटीग्रेट करके हम एल की फॉर्म में लिख सकते हैं, मैं डीएल लिखूंगा तो मैं छोटा सा पार्ट काटा है उसको क्या बोल दिया, डीएल क्रॉस बी, बाकी सब क्योंकि छोटा सा पार्ट है तो फोर्स भी क्या आएगी छोटी सी, किसी को कोई डाउट? यस सर। नो सर। क्या लिखा है, डीएल। अब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा तो उसका, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखूं, डीएफ क्या हो जाएगा, आई डी एल बी इंटू में कौन सा थीटा, साइन थीटा, करंट किसका लेता हूँ, जिस कंडक्टर की बात कर रहा हूँ या उसके अपोजिट वाले कंडक्टर की, किसकी बात करता हूँ, अगर इसका करंट आई वन है इसका मैग्नेटिक फील्ड बी वन है, इसका करंट आई टू है इसका मैग्नेटिक फील्ड बी टू है, तो करंट किसका लूंगा अगर मैं फोर्स पी क्यू पे बात कर रहा हूँ, तो आई वन जिसी का फोर्स उसी का करंट। करंट। अब मैग्नेटिक फील्ड किसका लेता हूँ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर मैं आई वन, अब आई वन भी अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, आई टू भी अपना क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, तो जब मैं आई वन पे बात करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड किसका लूंगा, आई टू वाले, आई वन वाले यानी पी क्यू वाली वायर के लिए एक्सटर्नल कौन है, मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखूंगा, बी बी टू। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछ सकते, नो सर। तुम मेरे को इसकी एक्सप्रेशन लिख के बताना, डी डी एफ ऑफ एस आर इसकी लिख के बताओ क्या लिखूं यहाँ पर, क्लियर है ना सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करते हैं सर, डी एफ को तो डी एफ रहने दो, पी क्यू को पी क्यू रहने दो, आई वन को आई वन रहने दो, डी एल को डी एल रहने दो। अब इसके मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा थीटा क्या क्या होता था, हाँ निशु बोलो, निशु कोई डाउट है क्या,
चलो डीएल थीटा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड और किसके बीच का एंगल था थीटा, लेंथ एलिमेंट की, लेंथ वेक्टर तो फर्स्ट का है, मैग्नेटिक फील्ड दूसरे का है ना। तो फिर फर्स्ट वाले की लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल देखते हैं। डीएल कौन सी डायरेक्शन में है फर्स्ट वाले के लिए, डीएल की डायरेक्शन जो किसकी होती है, कौन सी डायरेक्शन में है, ऊपर क्या बोलते हैं। अब इस वाले पॉइंट पर पी पॉइंट पर इसका मैग्नेटिक फील्ड बी टू का देखना है ना, तो बी टू का मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे कौन सी तरफ है कैसे पता लगेगा, बी टू का करंट ये है, पॉइंट पी हमारा ये है, तो पी टू का पी पॉइंट पे कहाँ होगा, आउटवर्ड, आउटवर्ड याद है ना, ट्रिक बताई थी, ट्रिक बताई थी, पॉइंट पे क्या आएगा मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, तो B2 की डायरेक्शन क्या होगी P पॉइंट पे यानी DL एलिमेंट पे, आउटवर्ड मतलब आउटवर्ड, ठीक है। तो एक ऊपर की तरफ है एक बाहर की तरफ है, एंगल कितना हो गया 90 तो B2 की जगह B2 लिखा, साइन थीटा की जगह लिखा साइन 90 डिग्री, क्लियर है क्या सबको, यस सर, यस सर। तो सर DFEQ IDL B sin 90 कितना होता है 1, तो DFEQ की वैल्यू क्या आ गई, I1DL B2, क्लियर है क्या, यस सर, ये लिखा I1 की जगह क्या लिखूं, B2 किसका मैग्नेटिक फील्ड है, सेकंड वायर का, और सेकंड वायर कैसी है, सेकंड वायर सर और अगर ये डिस्टेंस कितना हो बच्चे R, तो क्या फॉर्मूला बनता है वायर का, वजह से इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यूनो सर म्यूनो पाई आर या 2 पाई a, तो म्यूनो ठीक है, आई भी ठीक है, अपॉन में 2 पाई आर भी ठीक है, लेकिन ये आई अब क्या लूं, आई वन या आई टू, सर सर आई सर आई वन आई क्या देख लो को यहाँ तक कुछ भी इशू है तो नो सर पक्का यस सर ये हो गए सारे बी फोर बी फाइव की आवाज आई है मेरे को और बी फोर की बी थ्री वाले यस सर यस सर जूठी हाँ नहीं भरेगा कोई भी चलो फिर तो यहाँ तक आ गया तो इसको थोड़ा सा कंबाइन क्या हो जाएगा म्यू नोट को आगे ले लो फिर आई वन है फिर आई टू है फिर टू पाई आर है मल्टीप्लाई बाय क्या है डीएल ये बहुत बड़ी लेंथ है अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा वैसे छोटे से पोर्शन के लिए तो जीरो से एल तक आएगा तो डीएल का इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा एल तो लेकिन मैं डीएफ बाई डीएल की फॉर्म में बात कर रहा हूँ डीएफ इधर ले आओ डीएल इसके नीचे ले आओ तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा म्यू नोट आई वन आई टू अपॉन डीएल ये क्या लिखा मैंने मैं फोर्स की बात नहीं कर रहा मैं फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात कर रहा हूँ क्योंकि एक वायर अगर इनफाइनाइट है तो उसकी लेंथ नहीं पता होती इसलिए मैं फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात कर रहा हूँ आ रही है बच्चे आ रही है थोड़ी सी धीरे आ रही थी तुम्हारी लबन में ठीक है तो फोर्स कॉन्सेप्ट पूछ रहे जो पीछे था ना जो आपने पहले करवाया हाँ कहाँ कहाँ जो पिछला टॉपिक नहीं करवाया आपने हाँ बच्चे उसमें पूछ रहे थे कि जो मतलब थीटा जो हमेशा 90 डिग्री रहेगा नहीं 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 मैंने यही तो बताया थीटा 90 डिग्री क्यों रहेगा थीटा किसके बीच का एंगल है आई और डीएल और बी के बीच का लेंथ वेक्टर के बीच का तो जब वो परपेंडिकुलर होंगे तभी 90 डिग्री रहेगा अगर परपेंडिकुलर नहीं होंगे तो 90 डिग्री नहीं होगा नहीं होगा क्लियर है यस सर हाँ अभी मैं दिखा भी दूंगा यहाँ पर और किसी का कोई डाउट है चलें आगे तो मेरे पास फोर लेंथ का फॉर्मूला आया है क्या म्यू नोट आई वन आई टू डिवाइडेड बाई टू पाई क्लियर है यस सर यस सर आपको मैंने एक वायर की वजह से दूसरी वायर पे फोर्स देख ली कितनी आई
फोर्स पर यूनिट लेंथ देखूंगा तो क्या आएगी, डीएफ बाई डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट आई आई वन आई टू अपॉन टू आई टू अपॉन टू पाई आर, आर इनके बीच का डिस्टेंस है। अच्छा अगर सिर्फ फोर्स की बात करूं इंटीग्रेट करके क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू म्यू नोट आई वन आई टू डिवाइड एल। ठीक है, क्लियर है सर? यही अब। अच्छा अब इसके ऊपर फोर्स भी देख लेते हैं, ये पी क्यू दिख रहा है तुम्हें, इसके ऊपर फोर्स का फॉर्मूला तो पता चल गया तुम्हें, फोर्स का डायरेक्शन भी। अच्छा एक नॉर्मल फॉर्मूले से, यही फॉर्मूले से शुरुआत की थी ना, है ना? यस सर। तो इसके ऊपर डायरेक्शन भी तो बताओ ना, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ थी, बाहर की तरफ, और करंट एलिमेंट यानी एल की डायरेक्शन कहाँ थी, ऊपर यानी जे कैप। मतलब फॉर्मूला फोर्थ की डायरेक्शन क्या होगी एल क्रॉस बी से, एल कौन सी डायरेक्शन में है, अपवर्ड, जे के मैग्नेटिक फील्ड के के, तो जे क्रॉस के आई कैप, आई कैप राइट की आई कैप इस तरफ ही होगी ना। यस सर। यस सर। सिमिलरली तुम इसके लिए कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ। देखो ये दोनों वायर्स जिनके करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों में करंट ऊपर जा रहा है ना, वो दोनों एक दूसरे के पास जाना चाह रही है या अपोजिट जाना चाह रही है? पास पास मतलब दूर जाना चाह रही है या पास पास आना चाह रही है? तो दो वायर्स जिनमें करंट सेम डायरेक्शन में है वो एक दूसरे को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। हमारा होमवर्क ये है कि क्या घर पर भी ऐसा दिख रहा है हमें कि दो वायर जिसमें सेम डायरेक्शन में करंट जा रही है क्या वो पास में आती हुई, चेक करना, ऐसे नहीं कि तार निकाल के खोल लेना, नेट पे चेक करना, ठीक है, और थोड़ा सा दिमाग लगाना। यस सर। यस सर। दो वायर जिसमें करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट। अब दोनों में अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा क्या करेंगी, रिपेल रिपेल करेंगे, ठीक है। और फॉर्मूला मैंने तुम्हें बता ही दिया, फॉर्मूला तुम्हें पता है, अब इसको दोबारा से चेक भी कर लो, ये लोग सब कुछ वही, जहाँ पर हमने डीएल लिया था वहां पर इन्होंने एल लिया, बस देखो क्लियर है क्या? यस सर। वही फॉर्मूला आ गया सेम, फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी डीएफ बाई डीएल किसके इक्वल आ रहा है, म्यू नोट आई वन आई टू बाई आर, आज इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। क्लियर है? यस सर। ये देखो अभी ये सेम डायरेक्शन में था तो करंट दोनों अट्रैक्ट कर रही थी, डिफरेंट डायरेक्शन में होगा तो दोनों रिपेल करेंगे। अब कौन सा ऐसा बच्चा है जो मेरे को कहना चाहता है कि सेकंड में देखो सर एक फोर्स इधर लग रही है एक फोर्स इधर लग रही है तो नेट फोर्स क्या हो गई, जीरो। कौन है जो ऐसा बोलेगा, कौन है जो ऐसा बोलना चाहता है, हैंड रेस करो। आयुष, अच्छा, और प्रीशु, अच्छा, और पल्लवी, अंजलि, अवतार सिंह जी की वो आईडी क्या, कौन था, संदीप था ना? यस सर। ठीक है, वैद्य ही। अच्छा आप सबको लग रहा है कि नेट फोर्स क्या हो रही है, जीरो। जीरो लेकिन ऐसा नहीं है बच्चे, गलत हो जाएगा ये आंसर। अगर नेट फोर्स जीरो होती तो क्या वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करती? नो सर। नो सर। ये रिपेल रिपेल कर रही है तो फिर नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकती। ये दिख रही है नहीं बच्चे, ये दोनों अलग अलग वायर है ना, हम एक टाइम पर एक ही वायर पे कंसीडर करेंगे। अगर मैं पी क्यू पे देखूं तो पी क्यू पे क्या नेट फोर्स जीरो है? कौन सी डायरेक्शन में है सेकंड केस में? देखो पी क्यू पे कौन सी डायरेक्शन में है ये सेकंड केस सर, तो बताओ सेकंड केस में पी क्यू पे कौन सी डायरेक्शन में है फोर्स? उसकी डायरेक्शन देखो कौन सी है, लेफ्ट राइट क्या है सर? लेफ्ट लेफ्ट डायरेक्शन में, और आर एस डायरेक्शन में है राइट। सर मैंने ये थोड़ी कहा है कि दोनों वायर देखना है, एक टाइम पर एक ही वायर को फोर्स देखोगे ना, पी क्यू पे देखोगे तो पी क्यू की बात करोगे ना, तो पी क्यू पे कौन सी डायरेक्शन में है फोर्स? अब लेफ्ट लेफ्ट अपवर्ड, क्यों करंट नहीं पूछ रहा फोर्स। और आर एस पे कौन सी डायरेक्शन में है? राइट सर। तुम ऐसा कह रहे हो
भाई एक बात बताओ, जो पी क्यू आर एस पे फोर्स लगा रहा है वही आर एस किस पे लगा रहा है? पी क्यू पे। एक बात ये याद रखना, अभी हमने निकाला है, अगर मैंने तो कौन सी पे निकाला है फोर्स, अभी पी क्यू वायर पे निकाल के दिखाया है ना, और इस वाली जो इसमें इन्होंने किस पे निकाला, देखो आर एस फॉर्मूला दोनों का क्या आया, दोनों फॉर्मूला दोनों का क्या आया, यानी जो पी क्यू आर एस पे फोर्स लगा रही है वही किस पे कौन लगा रहा है, आर एस पी क्यू पे। इतना तो समझ में आ गया कि अरे रुक जाओ, चैट पे कोई बात नहीं करेगा, जो पी क्यू आर एस पे फोर्स लगा रहा है वही आर एस किस पे लगा रहा है, पी क्यू पे। फोर्स का मैग्नीट्यूड तो दोनों का इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन सेकंड केस में दोनों की क्या है, अपोजिट। नेट फोर्स जीरो है। तुम्हारा कहने का मतलब पता है कि अगर मैं दीवार पे थप्पड़ मारू और दीवार मेरे पे थप्पड़ मार रही है वापिस, सपोज करो, तो नेट फोर्स क्या है, जीरो। गलत है ये, गलत है, क्योंकि एक टाइम पे या तो मैं दीवार की बात करूंगा या मैं किसकी बात करूंगा, अपनी बात करूंगा। तो जब मैं दीवार पे बात करूंगा तो सिर्फ कौन फोर्स लगा रहा होगा उस टाइम पे, मैं, और जब मैं अपनी बात करूंगा तो उसके ऊपर कौन फोर्स लगा रहा होगा, सिर्फ। तो दोनों अलग अलग टाइम की बात कर रहा हूँ, मतलब दोनों अलग अलग सिस्टम की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो। अगर मैं अपने ऊपर बात कर रहा हूँ तो मैं, अब किसी की भी चैट पे मेरे पास मैसेज आ गया तो मैं ब्लॉक कर दूंगा उस बच्चे को, जब मैं दीवार के ऊपर बात कर रहा हूँ, जब मैं दीवार के ऊपर बात कर रहा हूँ तो सिर्फ एक फोर्स लग रही है, वो कौन लगा रहा है, मैं या तुम लगा रहे हो, और मैं अपने ऊपर बात कर रहा हूँ तो भी सिर्फ एक फोर्स लग रही है, वो कौन लगा रहा है, दीवार। जब एक ही फोर्स लग रही है तो कोई कैंसिल हो सकती है क्या वो कभी, समझ में आ गया सबको, जीरो नहीं होगी, नहीं होगी, ये अलग अलग बॉडीज एक्ट कर रही है, दोनों फोर्स अलग अलग बॉडीज, समझ में आ रही है। यही न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन आता था तुम्हारा, लॉज ऑफ मोशन में, क्या न्यूटन की दोनों फोर्सेस अलग बॉडीज पे एक्ट कर रही है या सेम पर, तो क्या आएगा, जो एक्शन और रिएक्शन वाला लॉ है, सॉरी वो अलग सेम पर अलग बॉडी पर एक्ट करता, तभी तो फोर्स जीरो नहीं होती। नेट फोर्स जीरो कब होती, जब पी क्यू पर ही फोर्स एक इधर लगती और एक सर आर लगती, तब नेट फोर्स क्या है, जीरो। लेकिन अब ऐसा नहीं। यस सर। चलो सर, ये क्वेश्चन अभी रुक के करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए भी, क्योंकि बेसिक बेसिक पढ़ा, ये स्पेशल केसेस, पहले थोड़ा सा एक आसान सा क्वेश्चन करते हैं, वो आसान सा क्वेश्चन कहाँ गया, कोई बात नहीं, इसके स्पेशल केसेस करते हैं, बराबर आज स्पेशल केसेस करेंगे, कल इसके क्वेश्चन करेंगे। वायर ऐसे है बेटे, ये वायर दिख रही है, इसके अंदर भी करंट दौड़वा दो ऐसे, ये पॉइंट इसका ए है, ये पॉइंट इसका बी है। अगर इस पूरी वायर की वजह से मेरे को फॉर्मूला, ये वायर यानी कंडक्टर, इस पूरी वायर की वजह से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो वही लगाऊंगा आई एल बी साइन थीटा, लेकिन इसकी एल निकालने में मेरे को दिक्कत आएगा, थीटा निकालने में भी दिक्कत आएगा क्या, हाँ सर, क्योंकि हर बार इसकी रेगुलर शेप है क्या, इरेगुलर है, इरेगुलर। तो इसकी वजह से जो फोर्स निकालूंगा, मेरे पास एक तरीका क्या है, मेरे पास एक ट्रिक है, क्या तुम इसकी वजह से फोर्स निकालो ही ना, तुम क्या करो, इसका स्टार्टिंग पॉइंट लो और इसका एंडिंग पॉइंट लो, एंडिंग पॉइंट कर दो। अब ये जो रेड वाली वायर बनी है, इसकी वजह से तो फोर्स आसानी से निकाल दो, क्योंकि कैसी वायर है, स्ट्रेट वायर है, तो तुम चाहे रेड वाले की वजह से फोर्स निकालो, चाहे तुम येलो वाले की वजह से फोर्स, दोनों का आंसर क्या आएगा, इक्वल आएगा सर, सेम। ये एक चीज पॉइंट निकले, तो देखो ध्यान से, द फोर्स एक्टिंग ऑन द कर्व्ड वायर जॉइनिंग पॉइंट्स ए एंड बी, कर्व्ड वायर है जो ये वाली, इसकी वजह से जो फोर्स है वो सेम है एज दैट ऑन अ स्ट्रेट वायर, चाहे तुम स्ट्रेट वायर निकालो चाहे तुम कर्व वायर निकालो, फॉर्मूला सेम रहेगा। और डीएल क्या निकालोगे इसमें, कर्व वायर के लिए जो स्ट्रेट वायर है उसके लिए भी फॉर्मूला आई एल बी साइन थीटा लिखोगे, इन ये सारे केसों में एल और बी के बीच में एंगल बन रहा है,
90 डिग्री, क्योंकि देखो L यहाँ पर x एक्सिस में है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर x में सॉरी x y प्लेन में है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो एंगल हमेशा क्या बनेगा 90 यहाँ से शुरू हो जाओ यहाँ से यहाँ तक, तो ए से लेकर बी तक, तो एल की वैल्यू हो गई ए बी ए बी, क्लियर है क्या? तो कर्व्ड पार्ट का निकालो, चाहे उसी कर्व्ड पार्ट में स्ट्रेट लाइन का निकालो, आंसर क्या आएगा? अब वो कह रहा है ये एक सेमी सर्कुलर वायर है, ये भी एक कर्व लाइन ही तो है एक किस्म से, yes, sir. तो इस वायर की वजह से ए से लेकर बी तक के लिए निकालना, तो इससे अच्छा मैं क्या कर दूं, एक क्या बना को निकाल देंगे स्ट्रेट वायर, अगर इसकी रेडियस आर है तो रेडियस कितनी दे रखी है आर, तो मैं एक स्ट्रेट वायर लगा दूं ए से लेकर बी तक, करंट सेम डायरेक्शन में भेज देता हूँ, समझ रहे हो? ठीक है, तो करंट सेम, तो मैं इस येलो वाले पोर्शन को जगह आप किसकी वैल्यू निकाल दूं, सिर्फ इस लाल की वैल्यू से आंसर सेम आएगा, निकालते आंसर सेम आएगा आई एल बी, क्योंकि साइन थीटा तो अभी 90 ले रखा है मैंने, आई आई ही है, लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर इसकी रेडियस आर थी तो, सर सेमी है तो 2r आर प्लस आर मतलब 2r ना, ये भी आर, यहाँ तक भी आर, तो एल की जगह क्या लिख दोगे 2r और बी की जगह बी, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2bi, तो यही देखो फॉर्मूला बन गया, दिख रहा है क्या? यस सर, यस सर, पिछले वाले कंसेप्ट इसमें लगा दिया, क्लियर है? यस सर, यस सर, सर ऐसे ही तीसरे वाले में देखो, तीसरे वाले में देखो डीएल कैसे निकालते हैं, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके, तो जब मैं पॉइंट वहीं से स्टार्ट होके वहीं पर खत्म हो रहा हूँ तो डीएल की आल इफेक्टिव क्या हो जाएगा मेरा, जीरो, ये जो डीएल निकाला है मैं इसको क्या बोलता हूँ, मेरा आई एल बी जगह एक फॉर्मूला अच्छे से लिखना पड़ेगा मेरे को, आई एल की जगह क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ, एल इफेक्टिव, क्यों सर? जब ये वायर ली थी मैंने, इसकी जगह मैंने कौन सा ले लिया था, सिर्फ एक स्ट्रेट, तो किसकी वैल्यू चेंज हुई थी, क्या आई की वैल्यू चेंज हुई थी क्या फॉर्मूले में, नहीं, क्या बी की वैल्यू चेंज हुई थी, नहीं, किसकी वैल्यू चेंज हुई थी, मैंने क्या लिखा था 2r, याद है ना, तो ये जो चेंज करूंगा हर क्वेश्चन में किसकी वैल्यू चेंज होगी 2r, एल की, तो एल एल की जगह क्या रिड्यूस करूंगा, एल इफेक्टिव, मैं एक सर्कल बना दूंगा पूरा, क्या बना दूंगा, एक सर्कल, तो एल वहीं से शुरू होके वहीं पर खत्म हो गया, तो एल इफेक्टिव भी क्या होगी इसकी, जीरो, क्या हो जाएगी, जीरो, तो जब भी एक क्लोज की बात करूंगा उसकी वजह से फोर्स कितनी आएगी, जीरो, 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 ये लिखा हुआ, द फोर्स ऑन अ क्लोज लूप ऑफ एनी शेप कैरिंग करंट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, क्योंकि इसका एल इफेक्टिव क्या होगा, जीरो, जीरो, Yes. अब इसका एल इफेक्टिव देखते हैं, देखो ये लास्ट है फिर छोटी, देखो ये एक वायर है, अभी जो थीटा है ये वो थीटा नहीं है, इसको फाई बोल दो, अभी थीटा तो हमने क्या ले रखा है 90, जीरो ले लिया, तो ध्यान से देखो, अब एक वायर इसने ऐसे दे रखी है, दिख रहा है, यस सर, एक वायर ऐसे दे रखी है, इन दोनों की वजह से क्या, इसकी भी लेंथ एल है, इसकी भी लेंथ एल है, करंट दोनों में आई दौड़ रहा है, अब ध्यान से देखना, थीटा तो 90 है, तो मैं कह रहा हूं इन दोनों के बीच का एंगल दे रखा है फाइव, क्या दे रखा है फाइव, तो मेरे को इन दोनों, इन इस पूरे पोर्शन को, इस पूरे पोर्शन को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और इसके ऊपर फोर्स निकालनी है, क्या निकालनी है, फोर्स निकालनी है, फॉर्मूला तुमको पता है, क्योंकि थीटा 90 है तो फॉर्मूला बनेगा एफ इज इक्वल टू आई एल की जगह एल इफेक्टिव, आई चेंज नहीं होने वाला, बी चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि करंट ऐसे जा रहा था ऐसे ही वापस जा रहा है, तो करंट तो सेम है, एल इफेक्टिव देखते हैं, सर एल इफेक्टिव कैसे निकालोगे, देखो बहुत आसान है, ये एक है एल और ये एंगल कितना है बच्चे, अगर ये बिल्कुल सेंटर से काटू तो ये कितना हो जाएगा, बीच पॉइंट पे बात कर रहा हूँ तो 5/2, ये भी कितना हो जाएगा
फर्स्ट वायर नीचे वाले को बोल रहा हूँ सेकंड वायर, तो फर्स्ट वायर में करंट एल ऐसे ही जा रहा है ना करंट की डायरेक्शन में, और ये एंगल कितना है 5/2, तो इसके दो कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा एल ये फर्स्ट वायर की बात होगी। सेकंड वायर पे देखो, सेकंड वायर में एल ऐसे जा रहा है कुछ, ये देखो यस सर यस सर, और यही एंगल इतना है, ध्यान से देखो 5/2 यहाँ ले लू, ये एंगल कितना 5/2 इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक क्या हो जाएगा एल एल इफेक्टिव निकालने के लिए दोनों को कंपेयर करते, देखो कौन सा कंपोनेंट कट रहा है, शालिनी कुछ कह रहे हो, चलो कौन सा कंपोनेंट कट रहा है एल cos 5/2 इधर राइट डायरेक्शन में, इधर लेफ्ट में तो ये कट जाएगा, और एड कौन सा हो रहा है एल साइन 5/2 प्लस एल साइन 5/2 दोनों को एड क्या करूंगा क्या आ जाएगा 2L L इफेक्टिव यहाँ पर क्या आ जाएगा 2L साइन 5/2 I की जगह I लिख दू, L इफेक्टिव की जगह क्या लिख दू 2L साइन 2L साइन 5/2 इनटू B, देखो यही आया क्या L, यस सर यस सर यस, बस I लिख दो इसको, तो आंसर भी देखो क्या है BIL साइन 5/2, हमारा भी यही आया B आई एल साइन 5/2 भी आएगा यहाँ पे, ठीक है क्लियर है, यस सर यस, किसी को कोई भी सर, यस सर, यस सर, ये देख के आना तुम, चलो एक चीज अभी मेरे को दिमाग में आई, क्या ये 2 आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये तुम्हारा होमवर्क है, देख के आओगे क्या एक बार सर, आएगा यस सर, थीटा क्या रखा है हमने 90 डिग्री एल और बी के बीच, हाँ बच्चे हैरी बोलो बोलो हैरी हैरी, अच्छा चैट में बहुत बच्चे बातें कर रहे थे इसलिए मैंने पढ़ी नहीं, चलो ठीक है बच्चे दिया था तो बढ़िया, ठीक है बहुत दूर चला गया होगा, आप भी किसी को कोई भी लेक्चर में इस लेक्चर में कोई भी दिक्कत है, नो सर दे दिया होगा किसी नहीं रहा क्योंकि चैट में बहुत दूर है, मुझे नहीं दिख रहा बच्चे, कोई बात नहीं आंसर ही दिया था ना, रीजॉइन दिख रहा है, नो वरीज तुम्हारा तो बस, और हंसी का इसलिए कहता हूँ इतनी चैट मत किया करो, कोई बात नहीं नेक्स्ट क्लास में हम आगे का डिस्कस करेंगे, ठीक है यस सर, यस सर, अब सब यहाँ तक रिवाइज करके आएंगे, खासकर B4 और B5 वाले, ठीक है यस सर क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, छोटा तो नहीं है वो भी काफी बड़ा है टॉर्क, उसके बाद चैप्टर खत्म, यस सर, तो ओके बच्चे आज के लिए इतना ही करेंगे, कोई डाउट हो तो रुक जाओ, थैंक यू सर, बाय सर, बाय ओके बच्चे बाय बाय, नो सर, बाय सर, गुड नाइट, बाय सर, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट।